मौसम कुछ इस तरीके का है। तो अब धूप खिलने वाली है, कल पूरा दिन बारिश रही और ऊपर साइड देखो पूरे बादल बादल हो रखे हैं और धूप भी आने वाली है। बाकी आजकल यहाँ से ना ऊपर साइड के नज़ारे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रहते हैं। ऊपर ऊपर देखो पूरा अंधेरा अंधेरा सौरख है क्योंकि ये पूरा कोहरा ऊपर की तरफ जाता है। बाकी धूप तो खिलने ही वाली है। अब मैंने ऐसे मौसम में कपड़े भी धो दिए हैं। सामने नदी भी बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा लग रही है। बाकी अब धूप आने ही वाली है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है दीपिका कांत। स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से शहर श्रीनगर गढ़वाल से। तो फ्रेंड, मेरी इस ब्लॉग की स्टार्टिंग लगभग 11 बजे से हो गई है और मैं और दक्षु जा रहे हैं। तो कहाँ जा रहे हैं आपको ब्लॉग में आगे पता चल जाएगा। तो ब्लॉग में ना एंड तक बने रहे हैं और दक्षु भी रेडी हो गया है। मैं कुछ इस तरीके से तैयार हुई हूँ और दक्षु कुछ इस तरीके से और सब वो भी आ रखी है आज। तो चलिए चलते हैं। अच्छा बोल, हाय बोल, बोल हाय गाइस बोल। दक्षु क्यूट क्यूट सा लग रहा है। मैं दक्षु के लिए लाइक कमेंट करना। चलिए चलिए जी, हम आ गए हैं रोड में और ये इस वाले गाड़ी में जाने वाले हैं हम यहाँ पे। आज का मौसम काफी अच्छा है, मौसम नीला नीला सा और कहीं कहीं बादल भी हैं। चलिए जी, पहुँच गए हैं हम मैखंडी में और यहाँ के लोग, यहाँ के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत। गाइस ये देखिए कालू मामा। नीचे देख। और हम पहले चलते हैं मंदिर में। चलिए जी, फाइनली हम अपने गुरुकुल में पहुंच गए हैं। चल चल चलो, झंडा झंडा नहीं आने में, झंडा नहीं। और अक्षरम और दक्ष बहुत खुश हो गया है मंदिर को देख के। चलो चल 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 चल। चलिए जी, ये देखिए यहाँ पे गुरुजी की फ़ोटो लगाई गई है और इस तरफ यहाँ पे फूलों से सजा रखा है पूरा स्टेज। तो ना जब भी यहाँ पे भंडारे वगैरह होते हैं तो यहाँ पे बैठते हैं गुरुजी। ये गद्दी है और बहुत ही विशाल भंडारे यहाँ पे होते हैं। हम आ नहीं पाते हैं वो अलग बात है, लेकिन बहुत बार आ रखी हूँ, मतलब शादी से पहले। बहुत अच्छा लगता है। चलिए जी, हमने दर्शन भी कर लिए हैं और यहाँ आके ना इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, मन को शांति मिल जाती है। और सब लोगों ने दर्शन कर लिए हैं, अब थोड़ी सी फोटो वगैरह खींचते हैं फिर चलते हैं ऊपर की तरफ। और यहाँ इतनी अच्छी धूप खिली हुई है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। और जैसे कि मैं आपको बहुत पहले वाले ब्लॉग में भी बताया था कि यहाँ 108 लिंगों की स्थापना हुई थी। तो ये देख सकते हो आप, बहुत सारे शिवलिंग आपको दिख रहे होंगे मेरे पीछे, देख सकते हो आप। और दक्षु ना ब्लॉग बनाने नहीं दे रहा है, इसीलिए दक्षु को ले रखा है मामी ने। तो मामी कैसा लग रहा है आपको दर्शन करके? शांति मिल रही है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही मन को बहुत अच्छी शांति मिलती है। तो चलिए आपको मैं दिखाती हूँ और आप भी दर्शन करिए ब्लॉग में, ब्लॉग के माध्यम से। और अगर आप लोग खाना चाहें तो एक बार जरूर यहाँ आना, बहुत ही ज़्यादा सुंदर यहाँ का दृश्य। और मैं आपको ना बैक कैमरे से दिखाती हूँ। और ये सामने पे ना घास का परखुंडा लगा रखा है माता जी ने, कुछ इस तरीके से। चलो
चलो चलो चलो, ये सामने पे स्कूल होगी। नो, और हमें सुबह तक मुझे ऐसा था कि मौसम ख़राब होगा, लेकिन अभी बहुत अच्छी सी धूप खिली हुई है, बिल्कुल नीला हो रखा है आसमान, हल्के हल्के बादल है क्योंकि कल बहुत बारिश हुई थी। ऊपर देखिए बहुत सारे कमंडल। हमारे गुरुजी बैठते हैं यहाँ पे। नहीं गुरुजी मारेंगे, मैं नहीं दूंगी चंदा। ए चल चल, वो देख वो देख वो देख चंदा। और ये यहाँ का सबसे बड़ा शिवलिंग भोलेनाथ जी का। नहीं मैं तो नहीं, ये माता रानी हमारी, माँ पार्वती, भगवान गणेश जी, शिव शंकर जी, ब्रह्मा जी, सारे देवी देवता आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और ये है डमरू, धोसी भी बोलते हैं इसको। चंदा प्यार कर रहा आप। और ये हमारे शेषनाग। नहीं गुरुजी मारेंगे नहीं। और यहाँ पे भैरव जी, भैरव भगवान जी का हमारा जो ये गद्दी है। कुत्ते को भैरव बाबा जी का स्वरूप माना जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे फोटो भी है। और इस तरफ ना सबने अपनी मनीषा से बहुत सारी घंटी चढ़ा रखी होंगी। और ये देखिए बहुत बड़ी घंटी, इसको बजाते हैं। ये यहाँ पे पानी की गागर। मामी यहाँ पे क्या फिसला नो रखी है, निकाल रहे तू निकाल ले। यहाँ ना जितनी बार आओ उतनी बार मन नहीं भरता है, क्योंकि बहुत ही अच्छी शांति, तो इसीलिए जब भी आओ बार बार आने का मन करता है। और हस्बैंड जी का भी मन था आने का, अजय अक्षु हस्बैंड जी का मन भी था आने का, लेकिन वो आ नहीं पाए क्योंकि उनको छुट्टी नहीं मिली, तो इसीलिए हम आ गए हैं। और अब चलते हैं हम दर्शन करके। जान इतना फर्श में काफ़ी ठंडा है और पैर बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। पूरा मंदिर प्रांगण, और अब चलते हैं ऊपर की तरफ घर में। गुड़िया हेलो, मिठाई ना हेलो गुड़िया, हेलो गुड़िया बोल, बुल्ली बोल, बुल्ली बोल जी। गर्मा गर्म पकौड़े आ गए हैं। ब्लॉग बन रहा है। पपड़ी भी दे दी, नमक पकौड़ी बना दी है माता जी ने। ये है हमारी माता जी, और बहुत ही स्वादिष्ट पकौड़ी बनी है ना आंटी जी। पकौड़ी कैसे बनी है? बहुत टेस्टी। जी माता जी ने हमको भोजन भी परोस दिया है, भात दाल और पत्ता गोभी की सब्जी। ये देखे माता जी हमें खाना परोस। शाम के 5 बजे का व्यू देखो कितना सुंदर है। फाइनली अब यहाँ से जाने लग गए हम, और 5 बज गए हैं शाम के, और हमारी तैयारी हो गई है घर जाने की। और आफत आ गई है बच्चों ने, आज हमारा सारा खाना पीना पचा दिया है जल्दी से, तो चलिए घर की तरफ। ये है दोगड्डा मार्केट, काफ़ी बड़ा मार्केट है। और सबसे अच्छे भी मुझे यहाँ की सार लगती है। वाओ, यहाँ मटर वगैरह बो रखे थे और गेहूं की ना खेती हो रखी है यहाँ, बहुत ही सुंदर, तो बहुत अच्छा लगता है ये।